हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक एवरीबडी इज़ गुड. सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इफ ड्यू टू चेंज इन शेयरिंग रेशियो असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑल्सो रिवेल्यूटेड. मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन शेयरिंग रेशियो, तो इन दैट केस वॉट वी हैव टू डू. सो इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर अ रिवोल्यूशन अकाउंट बाई विच वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड बाई द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. वाई ओल्ड रेशियो? बिकॉज अगर हमारी वैल्यू रिवेल्यूट होने से फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? ओल्ड पार्टनर है, तो उन्हीं को मिलना चाहिए फ़ायदा. और अगर लॉस हो रहा है तो उसके लिए भी ओल्ड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स के ही ओल्ड रेशियो में वो बटेगा. ओके बेटा, सो नाउ देयर आर टू केसेस. रिवोल्यूशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी मे बी गिवन इफेक्ट इन टू डिफरेंट, दो तरह से इफेक्ट डाल सकता है. जब व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि अगर हमें रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, या फिर व्हेन वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. ओके, तो इन बोथ द केसेस देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट. सो व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इन दैट केसेस यू हैव टू ट्रांसफर एवरी एंट्री by the systematic manner and transfer the adjustments into their partner's capital account whatever they are gaining or losing. So likewise we will pass the entries. If the value of assets decrease, okay, so we will transfer it to revaluation account debit side. Okay, so to decrease in the value of assets, the journal will be revaluation debit to assets. If the value of assets increases, then we have to transfer it credit side, increase in the value of assets. Okay, so whenever assets and liability are revalued directly, you make first revaluation account. Okay, it is easy. So only keep in your mind two things. अगर asset decrease हो रहा है तो debit में आएगा, assets increase हो रहा है तो credit में जाएगा, और liabilities में उल्टा होगा. liability बढ़ रही है तो debit में आएगी, कम हो रही है तो credit में जाएगी. Okay, if liability is decreasing it will be recorded in the credit side, if increasing it will be recorded in the debit side. Okay, only these two adjustments are important. ध्यान रखिएगा, decrease in assets DA will be in debit side. Okay, and increase in liability in IL in debit side. Okay, the decrease IA increase in assets in credit side और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिट साइड. ओके, तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, बाकी सब हो जाएगा. तो जर्नल एंट्री लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, अगर इंक्रीज हो रही है तो रिवोल्यूशन की डेबिट आएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट. ओके, आफ्टर दैट इफ देर इज प्रॉफिट, तो वॉट यू विल डू दैट विल ट्रांसफर टू डेबिट साइड, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. इफ लॉस विल बी देयर तो इट विल ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड बाई लॉस ऑन रिवोल्यूशन, एंड एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो. अगर पार्टनर्स के रिवोल्यूशन में प्रॉफिट या लॉस हुआ है बेटा, तो दैट विल ऑल्सो ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, बिकॉज उसके लिए पुराना जो इकट्ठा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ओल्ड ही पार्टनर्स है. ओके, अभी क्या दे रखा है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. तो सिंपल सी बात है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब है कि लाइबिलिटी पुरानी थी, अनरिकॉर्डेड थी, उसकी वैल्यू बढ़ रही है. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, लाइबिलिटी किसी भी तरीके से बढ़ेगी तो डेबिट में आएगी. ऐसे अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड इवन वाइल दे आर अनरिकॉर्डेड ऑल्सो. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन इज ABC पर पार्टनर देयर शेयर रेशियो वाज 2:2:1. ओके, एंड द बैलेंस शीट इज गिवेन. आफ्टर दैट फ्रॉम 1 अप्रैल इन बैलेंस शीट यू आर हैविंग जनरल रिजर्व ओनली. फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 1:2:3. फॉर दिस पर्पज गुडविल देखिए 450 पे वैल्यूड हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही 20% से, तो एक ही ट्रीटमेंट हो रहा है. एंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन द पोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट्स विल बी ओपन. ठीक है, तो हम लोगों को करंट अकाउंट बनाने हैं, एडजस्टमेंट करनी है. तो देखिए, जर्नल बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, रिवोल्यूशन का एक हल्का सा ट्रीटमेंट कर लूँगा. ओके, एंड ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस गेन भी निकालेंगे पहले, जिससे कि वी कैन कैलकुलेट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज आप छोड़ देंगे जर्नल के लिए. नीचे आकर के क्वेश्चन नंबर दिस वन इज 33, और यहाँ पर लास्ट में आप लिख देंगे वर्किंग नोट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो इज 2:2:1 बेटा, एंड न्यू रेशियो इज 1:2:3.
मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालूंगा। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड माइनस। सो सी हियर आई हैव कैलकुलेटेड दिस। ओके, तो ए इज सेक्रीफाइसिंग, बी इज सेक्रीफाइसिंग। ए सेक्रीफाइस 7/30, बी 2/30 एंड सी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग 9/30। देखिए 7+2। अब इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। जैसे ए इतना कर रहा है तो जो भी गुडविल होगा उसके अपॉन कर लेंगे। 7/30 है इंटू गुडविल, देखिए कितनी है, 4,50,000 है। तो हियर आई विल डू 4,50,000। ठीक है, तो 15,000 आ जाएगा, तो 1,05,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, 30,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, और इसका 1,00,000 दोनों को जोड़ दीजिए, 35,000 ये गेन कर जाएगा। ठीक है, तो उसका जर्नल बना देंगे, जर्नल लास्ट में बनाते हैं, पहले सारा वर्किंग नोट कर लेंगे। ठीक है, पॉज कर लीजिए और इसको कर लीजिए। ठीक है, ये नोट हो जाएगा, बाकी आगे देखते हैं। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊँगा जिससे जर्नल ईजी रहेगा। ओके, तो रिवोल्यूशन का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है बेटा बढ़ना, तो बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड आएगी। बाई एल एंड बी लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ रहा है, कितने से, 20%। तो 3,00,000 का 20% कितना होगा, 3,00,000 का 20% कितना होगा, 60,000। तो 60,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर एंट्री आ जाएगी, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। ठीक है, ए बी सी कितना था, 60,000 है दोनों साइड, पहले 60,000 लिख लेंगे। डबल लाइन से क्लोज ज़रूर करिएगा हर एक अकाउंट को। नाउ द रेशियो इज 3:2:5, 24,000 और 12,000 आ जाएगा। ओके, अगर जर्नल बनाएंगे तो क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। ओके, फॉर दिस पर्पस कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू ग्रुप शेयरिंग रेशियो एंड फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। ओके, तो अब नीचे लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। व्हाट वी विल डू बेटा, कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करेंगे, ए बी और सी। देखिए ए की कैपिटल 2,00,000, ठीक है 2,00,000 लिख देंगे। बी की कितनी है, 1,50,000। ठीक है, और सी की कितनी है, 90,000। ओके, देखिए जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 40,000 है। तो 16,000 एक को मिलेगा 2/5, दूसरे को भी 16,000 मिलेगा और इसको 8,000 मिल जाएगा। ठीक है, रिजर्व तो हो गया। आफ्टर दैट जो गेनिंग कर रहा है बेटा उसमें गुडविल का शेयर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1,35,000 सी इज़ गेनिंग, तो सी में 1,35,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका 30,000 गुडविल ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। और आपका ये जो है लास्ट वाला 1,05,000 सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। आफ्टर दैट 24,000 प्रॉफिट का शेयर है ए का, बी का भी 24,000 है। ठीक है, और सी का भी जो है वो 12,000 है। ओके, ये सारी एडजस्टमेंट है बेटा, इनके बाद पार्टनर्स का कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। देखो ओपनिंग कैपिटल भेजने शुरू कर आपने, ये हो गया, उसके बाद आपको रिजर्व मिला पुराना, ये आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने गुडविल सेक्रीफाइस करी तो ये माइनस कर दीजिए, आप जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आपका माइनस हो जाएगा, जो गेन कर रहे हैं उसकी कैपिटल प्लस हो जाएगी। ठीक है बेटा, और आपका अब आ जाएगा, तो देखेंगे अब एग्जिस्टिंग कैपिटल पार्टनर्स की निकल करके आ जाएगी सभी की। सी बेटा कैलकुलेशन करिए, देखिए ए सी गेन कर रहा था तो सी को पेमेंट करना होगा ए और बी को, क्योंकि वो गेन करेंगे ना आने वाले टाइम में। तो दैट इज़ वाई ए ने ए को क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, जो भी सेक्रीफाइस करते हैं उसकी कैपिटल में, मतलब सेक्रीफाइस का मतलब है उसने अपना शेयर दे दिया, तो उसके बदले गेनिंग पार्टनर को गुडविल के लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। आफ्टर ऑल कैलकुलेशन आते 345, इसका 220 और इसका माइनस का 25,000। तो टोटल कैपिटल देखी जाएगी, टोटल हो रही है, तीनों को जोड़ देंगे, जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो 5,40,000। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि डिवाइड कैपिटल विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांटेंगे, वैसे एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल वो कितनी आ रही है, ए इज़ गेटिंग 345, बी इज़ गेटिंग 2,00,000,
20,000, 2 lakh 20,000, and she is getting minus 25,000. Okay, but according to the ratio, this will be the actual. So this is the credit figure. Okay, and now required capital according to question, they have to share in sharing ratio 3 to 5, 6. 90,000, 180, and 270. Okay, अब इसकी डिफरेंस निकाल देंगे तो 2,50,000. तो बेटा देखिए 2,50,000 किसका, इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो ए क्रेडिट हो जाएगा, बी 180 एंड हेयर इज 90, तो हेयर 40,000 इसका जो है ये भी क्रेडिट आ रहा है. ओके एंड हेयर ही विल, ये आपका माइन देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 295. ओके क्योंकि डेबिट बैलेंस ये भी माइनस में आया हुआ इसलिए ये भी उसका डेबिट ही हुआ, 295 इसका डेबिट हो जाएगा. तो इसका जर्नल क्या बन जाएगा, ऑल दैट कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन करंट अकाउंट. ओके तो सीज करंट अकाउंट विल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. नाउ वी विल पास जर्नल एंट्री. सी जर्नल स्टार्ट करने से पहले फिर से बता देता हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, आई हैव प्रिपेयर्ड सैक्रीफाइजिंग रेशियो जिससे मेरा गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाए. ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके आई हैव कैलकुलेटेड द सैक्रीफाइज रेशियो. ओके देन आफ्टर दैट रिवोल्यूशन का ट्रीटमेंट करा कि मेरी इजिली जल्दी जल्दी फिर जर्नल हो जाए. ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना था. क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व भी मिलने के बाद, गुडविल मिलने के बाद, रिवोल्यूशन होने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो जाएगी ना, तो फिर हमने क्लोजिंग कैपिटल सभी निकाल दी क्योंकि लास्ट पॉइंट कह रहा ना कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड, तो उसके लिए एडजस्टेड कैपिटल्स हमने निकाली. तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 3 में कैपिटल अकाउंट बना के सिखाई जाएंगी. ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ज़्यादा समझ में डीपली में भी हो सकता ना आए. ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हम ओपनिंग पे दे रखी है उसमें जो भी पैसे उनके पास आ रहे हैं पार्टनर्स के, वो सारे मैंने जोड़ दिए. ठीक है, जो पे कर रहे थे उनको माइनस कर दिया. तो फिर कह रहे थे टोटल कैपिटल जो है वो बेटा आपकी न्यू रेशियो में जाएगी. तो न्यू रेशियो में मैं जाने पहले तो कैपिटल निकाली 540, तो न्यू रेशियो में मैंने बांट दिए ये देखिए. ठीक है, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, बट एक्चुअल में उनके पास 345, 220, तो जो एक्चुअल में चीज़ होती है वो हमारी क्रेडिट फिगर होती है. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डिवाइड कर दिया. आया समझ में? अब जर्नल एंट्री बनाते हैं. तो पहली जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. पहली जर्नल एंट्री किसकी बननी है बेटा, देखिए जनरल रिजर्व की, 120 है ना, तो जनरल रिजर्व हमारा क्या होता है, जनरल रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. ओके टू सीस कैपिटल अकाउंट. जनरल रिजर्व इसी तरह से बढ़ता है कितना देखते हैं, 40,000 है, देखिए 40 है, 120 है जनरल रिजर्व, ये है क्वेश्चन हमारा, दैट इज 40,000. ओके तो 40,000 इट विल डिवाइडेड इन टू ओल्ड रेशियो 2:5 से, तो 16,000 एंड 8,000. ठीक है, नर ऐसे लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड. सेकेंड एंट्री साहब किसकी आनी है बेटा, अब एडजस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी गुडविल की. तो गुडविल में मैंने बताया ही था गेनिंग वाला डेबिट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यहाँ आपका 1,35,000 आ जाएगा, 1,05,000 ए सैक्रीफाइस कर रहा है और 30,000 जो है वो बेटा कौन सैक्रीफाइस कर रहा है, बी कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. उसके बाद तीसरी एंट्री देखिए, फिर आता है रिवोल्यूशन. तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ ना, देखिए एडजस्टमेंट टू, हमने हर स्टेप वाली एडजस्टमेंट का पूरा तरीके से ट्रीटमेंट किया है. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवोल्यूशन. तो एल एंड बी फॉर लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, आर ई बी फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट कितने की बड़ी थी, 60,000. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एल एंड बी इंक्रीज. ठीक है, चौथे पे रिवोल्यूशन का देखिए प्रॉफिट है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा. तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल. ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट कितना कितना है,
60,000 है, 24,000, 24,000 और 12,000, ये सारी चीज़ें ओल्ड रेशियो में ही जानी है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। और फिफ्थ जो एंट्री आएगी आपकी, दैट विल बी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो वो किस में जानी है बेटा, करंट अकाउंट ओपन होने हैं, ये देखिए लिखा हुआ है करंट अकाउंट विल बी ओपन, तो जिसका ज़्यादा है उसको पहले डेबिट कर दीजिए, सी ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट और टू बी करंट अकाउंट, ठीक है साहब। अब ए ने कितना, सी ने कितना गेन करा है, 295, ए कितना कर रहा है, 255 क्रेडिट हो रहा है और बी 40,000, ठीक है। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। ये पूरी जर्नल एंट्रीज हैं, इसको फोन वीडियो को जरा एक मिनट पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ एक बार, देखिए पहले जर्नल रिजर्व मैंने ट्रांसफ़र करा, जैसे पीछे करते हैं पूरे चैप्टर में रिजर्व था ओल्ड पार्टनर को बढ़ जाएगा, फिर गुडविल का जैसे मैंने ट्रीटमेंट सिखाया था गुडविल का कर दिया, लैंड इसमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया, ओके। देन आफ्टर दैट आई हैव ट्रीटेड हेयर लैंड एंड बिल्डिंग बिकॉज इट वॉज राइजिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवेल्यूशन, फॉर्मेट मैंने दिखा ही रखा है नोट्स में, फॉर्मेट सारा बना लीजिएगा उसको लर्न कर लीजिएगा, आपके कम से कम बोर्ड में 20 नंबर में आपका रिवेल्यूशन घुसेगा आ करके, हर चैप्टर में है रिवेल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके। देन आफ्टर दैट रिवोल्यूशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देर वॉज प्रॉफिट ऑफ 60,000, देन आई हैव ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, ओके। देन आफ्टर दैट देर वॉज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, दैट इज आई हैव ट्रांसफर टू सीज करंट अकाउंट अभी टू एस करंट टू बीज करंट अकाउंट, ओके 25,000, 40,000, तो इसको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, दोबारा से दो बार आपको देखना पड़ेगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, ठीक है। और ये इसका वर्किंग नोट है, साथ साथ में पहले वर्किंग नोट बनाइएगा, एंड हु आर नॉट हैविंग बुक्स दे मे पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन विच एवर आई एम शोइंग दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 34, ओके 35, 36, 37, ओके 38, 39, ओके टिल 39 यू हैव टू सॉल्व, ओके।